बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स एंड फैमिली आज हम बना रहे हैं एक बहुत ही मज़ेदार और जूसी किस्म का बीफ बर्गर जो कि बिल्कुल टेन मिनट्स के अंदर रेडी हो जाएगा तो रेसिपी को एंड तक देखिएगा इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी तो जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं यहाँ पे मैंने जी बीफ़ का कीमा ले लिया है वन के जी आई नो आपको चिकन का लग रहा होगा क्योंकि मैंने अच्छी तरह से इसको धोया है और यहाँ पे जो है वो ब्रेड स्लाइसिस ले लिए हैं वो एंड वाले ब्रेड स्लाइसिस जिन बेचारों को कोई नहीं पूछता उनको हम इसमें डालेंगे तो ये जो है ये बीफ का जो कीमा है इसको मैंने विनेगर डाल के वॉश किया है इसलिए ये इतना लाइट लग रहा है ठीक है तो अभी मैं जो है वो ब्रेड के ब्रेड क्रम्स बना रही हूँ तो मैंने इसलिए ऑब्वियसली नहीं बनाया आपको दिखाने के लिए कि मैं कौन सी वाली ब्रेड यूज़ कर रही हूँ इस ब्रेड को बिल्कुल आप ज़ाया ना किया करें इसको आप इस तरह से ब्रेड क्रम्स बना के फ्रीज़र में भी रख सकते हैं ठीक है तो ये मैंने तीन स्लाइसिस लिए थे जिसके क्रम्स बना के मैं अब इसमें कीमे के अंदर डाल रही हूँ तो इस तरह से ये मैंने सारे के सारे क्रम्स कीमे में डाल दिए हैं इससे जो है ये बर्गर बहुत सॉफ्ट बनेगा साथ ही साथ चिली पाउडर है आधा टी स्पून मिक्सड हर्ब्स हैं वन टी स्पून गार्लिक पाउडर आधा टी स्पून ब्लैक पेपर वन टी स्पून और नमक है जी वन एंड हाफ टी स्पून ये सारी चीज़ें भी बीच में डाली हैं और एक और चीज़ है जो पपाया पेस्ट है ये मैं एक टेबल स्पून इसमें डाल रही हूँ पपाया पेस्ट आपको ना मिले तो आप ऑब्वियसली फ्रेश पपाया लेके भी डाल सकते हैं जैसा कि आपको ऑरेंज ऑरेंज पपाया से नजर आ रहा होगा कि ये फ़्रेश पपाया ही है मैं तो वैसे फ्रीज़ भी कर लेती होती हूँ बना के और आप कोई भी जो है वो मीट एंड रज़न ले सकते हैं इसकी जगह कोई प्रॉब्लम नहीं है और यहाँ पर एक अदद मैं इसमें अंडा भी डाल रही हूँ तो वो भी मैंने इसमें डाल दिया है एंड दैट्स इट बहुत ही आसान सी रेसिपी है इसको आपने करना है मिक्स और हमारे जो बर्गर पैटीज़ हैं वो इससे बहुत सॉफ़्ट एंड टेंडर बनेंगे यहाँ पे ट्रिक ये है कि जितनी अच्छी तरह से आप इसको गूंदेंगे उतने ही अच्छे सॉफ़्ट जो है वो इसके बर्गर पैटीज़ बनेंगे मैंने 30 मिनट के लिए इसको मैरिनेट किया है साथ ही हमें बर्बर बर्गर की जो सॉस है वो रेडी कर लेते हैं जिसके लिए मैंने दो टेबलस्पून स्पून ली है बहुत ही इजी सी रेसिपी है सॉस की भी और दो टेबलस्पून मैंने इसमें जो है वो केचप ली है ठीक है इसके बाद मैंने इसमें जो है वो डाला है मस्टर्ड सॉस या मस्टर्ड पेस्ट आप कह लें ये मैंने एक टेबल इसमें डाली है और थोड़ा सा मैंने नमक डाला है जो कि मेरा कैमरा शायद आपको दिखाना भूल गया है मैं अभी आपको मस्टर्ड सॉस दिखा रही हूँ लेकिन थोड़ा सा मैंने जो है वो इसमें नमक भी डाला है ठीक है तो आप वो भी इसमें डाल लीजिए एंड मिक्स कर लीजिए एंड दाथ सेट हमारी सॉस जो है वो रेडी है जैसे कि आपको नज़र आ रही है ये वाली कंसिस्टेंसी होनी चाहिए दाथ सेट इट्स रेडी यहाँ पे जो है वो एक और जो बहुत अच्छी जाती है इस बर्गर के साथ चीज़ वो है जी आ, अनियन फ्राइड अनियन जो है वो लोग इसके साथ डालते हैं तो मैंने रेड अनियन को जो है वो छोटा छोटा सा काट लिया है और इसको हम कर लेंगे जी फ्राई अच्छा अब फ्राइंग पैन में मैंने सिर्फ़ एक टेबल स्पून ऑयल डाला है इससे ज़्यादा नहीं डाला और इस प्याज़ को मैं थोड़ी तेज़ आँच पर ब्राउन करूँगी हमने इसको सॉफ्ट नहीं करना हमने इसको थोड़ी तेज़ आँच पर इसको सिर्फ ब्राउन सा कलर देना है तो वो देने के लिए मैंने आँच को थोड़ा तेज़ रखा है और बस इस तरह से मैं भून रही हूँ जब ये लाइट लाइट सा ब्राउन हो जाए तो मैं इसको निकाल लुंगी तो ये देखिए बिल्कुल लाइट ब्राउन हो चुका है दैट्स है इससे ज्यादा नहीं हम इसको पकाएंगे हम कोई हांडी नहीं बना रहे हैं बस हल्का सा प्याज फ्राई ही करना है तो दैट्स है इस रेडी मैंने इसको जो है वो एक बोल में निकाल के साइड पे रख लिया है चीजें अपनी पहले प्रिपेयर कर लें फिर जो है हम बर्गर रेडी करेंगे तो जी अभी बर्गर के पैटीज बना लेते हैं तो अभी आप आपको जो भी ऑब्वियसली बर्गर का साइज़ जिस तरह से आपको जैसा पसंद हो आप उतने बड़े पैटीज बना सकते हैं तो मैंने जो है ये इस तरह से एक बर्गर पैटी बना लिया है अभी जो है इसको हमने सिर्फ फ्राइंग पैन में फ्राई ही करना है इससे ज़्यादा और कोई काम नहीं है आप चाहें तो इसको ग्रिल में भी रख सकते हैं इफ़ यूर हेल्थ कॉन्शियस आप इसको ग्रिल में भी बना सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें भी ईजीली बन जाएगा विदाउट एनी ऑयल और एनी तो अभी जो है मैंने इसको फ्राइंग पैन में वन टेबल स्पून मैंने ऑयल डाला है और इस तरह से मैंने इसको रख दिया है बनने के लिए और इसको जो है हम पाँच मिनट एक साइड और पाँच मिनट दूसरी साइड से पकाएंगे एंड दैट्स इट हमारा इजी पीजी सा बर्गर पैटी भी रेडी हो जाएगा एंड टेन मिनट्स के अंदर अंदर जो है हमारा बर्गर बड़े मज़े का बीफ बर्गर रेडी हो जाएगा तो यहाँ पे चूँकि मैं एक जो है वो जॉइंट किस्म का बड़ा वाला बर्गर बना रही हूँ तो मैंने जो है वो इसको थोड़ा एक्साइटिंग बनाने के लिए दो बर्गर पैटी बनाए थे तो दो बर्गर पैटीज जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि ये मैंने तैयार कर लिए हैं अभी इनके ऊपर मैं जो है वो एक एक चीज़ का स्लाइस रखूँगी आपको जौनसी वाली चीज़ पसंद हो आप वही चीज़ ले सकते हैं तो मैं जो है ये बर्गर वाली जो चीज़ स्लाइसेस आते हैं मैंने यही लिया है और ये मैं इसके ऊपर रख दूँगी और इससे ये होगा कि जो है वो चीज़ बड़ी अच्छी सी इसके ऊपर मेल्ट हो जाएगी एंड ट्रस्ट में ये वाली चीज़ बहुत अच्छी लगती है जब आप बर्गर में खाते हैं हल्की हल्की सी मेल्टेड चीज़ ये इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा तो अब इन दोनों बर्गर पैटीज के ऊपर मैं जो है वो एक, -एक चीज़ रख रही हूँ और उसी पैन में जो है मैं बर्गर भी दोनों तरफ से सेक लूँगी कुछ लोगों को इस तरह से पस पसंद होते हैं बंस थोड़े सेके हुए और कुछ लोगों को इसके बगैर पसंद होते हैं डोंट नो वट वो टू यूज़ फॉर इट लेकिन हाँ ये जो है कि मैंने दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा सा सेक लिया है और उसके ऊपर जो है मैं वो जो सॉस हमने बना के रखी हुई थी मैंने वो लगाई है दोनों साइड्स के ऊपर ट्रस्ट में ये इतने मज़े का बर्गर बनेगा कि आपको यकीन नहीं आएगा आप कभी भी बाहर से बर्गर नहीं खाएंगे ये ये वाला बर्गर खाने के बाद तो अच्छा अभी इसके ऊपर मैं सॉस लगाने के बाद रख रही हूँ जी लेटस लीव्स और लेटेस्ट जो है वो अगेन आप कोई भी ले सकते हैं अपनी फेवरेट तो मैंने लेटेस्ट लीव्स रखने के बाद इसके ऊपर रख रही हूँ जी बर्गर पैटी और उसके ऊपर जो है मैं रख रही हूँ टमोटोज़ कुछ लोगों को टमाटोज़ पसंद होते हैं कुछ को नहीं होते आप स्किप भी कर सकते हैं मींस यहाँ पे जो है ना आप जब बर्गर बना रहे हैं तो अपने पसंद की चीज़ें डालें इसमें जो भी आपको वेजिटेबल्स या सैलड्स के तौर पर पसंद हैं तो मैंने दूसरा बर्गर पैटी भी इस पर रख दिया है और हम प्याज को तो नहीं भूल सकते जो हमने इसके लिए बना के रखा था तो वो मैंने पिस्तर से डाल दिया है एंड प्याज के साथ साथ एक और चीज़ बहुत ही अच्छी जाती है बर्गर में विच इज़ हेलोपिनज़ तो हेलोपिनस भी आपके पास ग्रीन वाली हैं रेड वाली हैं जो भी हैं आप यूज़ कीजिए बहुत ही मज़े की लगेंगी और कुछ लोगों को बर्गर चूँकि थोड़ा स्पाइसी पसंद होता है तो वो अपने हिसाब से इसमें नमक मिर्च थोड़ा सा ज़्यादा कर सकते हैं लेकिन ये वाला बर्गर बच्चों के लिए परफेक्ट है क्योंकि इसमें मैंने स्पाइसेस थोड़े कम रखे हैं एंड बच्चों के लिए बना रहे थे हेलोपिनोज मथ डालिए तो बस ये बिल्कुल रेडी है देखिए ज़रा हमारा मज़ेदार किस्म का बर्गर सिर्फ़ और सिर्फ टेन मिनट्स के अंदर जो है वो रेडी हो चुका है ये इतने मज़े का है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ यू हैव टू ट्राई दिस रेसिपी और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ 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 इसको थम्स अप दे दीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और हमारा नाइस सा जूसी किस्म का बर्गर जो है वो बिल्कुल रेडी है अंदर से भी आप देख लें बिल्कुल कच्चा नहीं है तो मुझे दी, दीजिए इजाज़त इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ मिलूँगी तब तक हाफिज़